ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था। तो दोस्तों कल ये खबर पूरे दिन आग की तरह वायरल होती रही सोशल मीडिया पर के नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी को विधवा कहा है, उनके विधवा स्टेटस पर तंज कसा है। ये वायरल होती रही पूरे दिन, लेकिन इसके पीछे का सत्य क्या है जानने के लिए देखते रहिए आज की ताजा खबर। तो दोस्तों कल कांग्रेस के आईटी सेल के एक मेंबर गौरव पंडी, वो 9 सेकंड की ये क्लिप डालते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, वहां से ये वायरल होना शुरू होती है। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, हर जगह इसको वायरल करवाया जाता है और कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी को जो नीच कहा गया था वो बिल्कुल सही कहा गया था, उन्होंने ऐसी नीच बात कर दी है, इस प्रकार से कहा जाता है। वहां से ये बात पकड़ ली जाती है सागरिका घोष, रोहिणी सिंह और बाकी पत्रकारों के द्वारा जो कि लिबरल फ्रंट से आते हैं, उन्होंने ये बात पकड़ी और इसको और ज्यादा बल दिया। बहुत बड़े स्तर पर नरेंद्र मोदी का क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन क्या ये सच है? हम आपको पूरा वर्जन सुनाते हैं, पूरी स्पीच सुनाते हैं। इन्होंने 9 सेकंड की सुनाई है, हम आपको पूरी स्पीच सुनाने वाले हैं, उसके बाद हम आपको अपना वर्जन बताएंगे, लेकिन उसे मानने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप अपना दिमाग लगाकर खुद सुनकर नरेंद्र मोदी ने क्या बोला है अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो आपको सुनवाते हैं पहले मोदी जी ने क्या कहा था। ये नामदार परेशान क्यों है? ये कांग्रेस वालों की नींद क्यों हराम हो गई है? इसका कारण है कि मोदी जो एक एक कदम उठा रहा है उनकी एक एक दुकान बंद होती चली जा रही है। कांग्रेस ने ऐसी सरकार चलाई कि जो बेटी पैदा नहीं हुई, जिस बेटी का जन्म नहीं हुआ, वो कांग्रेस सरकारों के कागज पे वो बेटी की विधवा भी हो गई और बेटी के विधवा पेंशन भी मिलना शुरू हो गया। ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? वृद्धों का पेंशन पैसे मारो, दिव्यांग का पेंशन पैसे मारो, स्कूल के बच्चों की स्कॉलरशिप पैसे मारो, मध्याह्न भोजन पैसे मारो। दोस्तों बेसिकली नरेंद्र मोदी किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं आधार और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बारे में, जिसकी वजह से ऐसे लोग जो कभी पैदा ही नहीं हुए थे उनको पेंशन जा रही थी। जी हाँ, ऐसी विधवाएं जो कभी पैदा ही नहीं हुई थी, वो बड़ी भी हो चुकी हैं, उनकी शादी भी हो चुकी है और उसके बाद उनको विधवा पेंशन भी मिल रही है। तो बेसिकली नरेंद्र मोदी ने इस बात पर तंज कसते हुआ कि भाई कौन सी ऐसी विधवा थी कांग्रेस की जिसको ये पेंशन जा रही थी, वो बेसिकली ये जो नॉन एग्जिस्टिंग, जो कभी पैदा ही नहीं हुए थे लोग, उनकी बात करते हुए दिख रहे थे, प्रतीत हो रहे थे। तो दोस्तों हमारे हिसाब से तो ये वीडियो जो है ये फर्जी वायरल करवाया गया है कांग्रेस के द्वारा, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से बीजेपी ने वायरल करवाया था अशोक गहलोत का एक वीडियो, जिसमें वो कुछ कहते हुए दिखाई दिए थे कि पानी से बिजली निकाल लोगे तो पानी वेस्ट होगा, इस प्रकार से वो भी फर्जी वीडियो था, उसमें वो कुछ और कह रहे थे, वो बेसिकली संघ पर कटाक्ष कस रहे थे, लेकिन उसको फर्जी बनाकर एडिट करके डॉक्टर्ड वीडियो वायरल करवा दिया गया था। इसी प्रकार से कांग्रेस ने सिर्फ एडिटेड वीडियो वायरल करवा दिया है, लेकिन हम आप पर अपनी मंशा, अपनी राय नहीं थोप रहे हैं, आपको हमने पूरी स्पीच सुनवा दी है, आप अपना निष्कर्ष खुद निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों नरेंद्र मोदी ने जो इस वीडियो में सवाल उठाए हैं उससे कांग्रेस बच नहीं सकती है, ये बेसिकली कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है इस सवाल से बचने का कि उन्होंने सोनिया गांधी पर यह बात डाल दी है कि सोनिया गांधी को विधवा कहा गया है। लेकिन इस प्रश्न से बचा नहीं जा सकता कि विधवा जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो कभी पैदा ही नहीं हुई है, उनको पेंशन जा रही थी, किसके खाते में जा रही थी। इसके अलावा करीब 3 करोड़ ऐसे फेक राशन कार्ड भी मिले हैं। जी हाँ, 3 करोड़ फेक राशन कार्ड जिनको राशन जा रहा था, जिनको राशन की सब्सिडी मिल रही थी, हर महीने मिल रही थी, कितने सालों तक मिली है, कितने अरबों खरबों का यह घपला रहा होगा आप सोच सकते हैं। सिर्फ हरियाणा के अंदर 1000 करोड़ रुपए की चोरी पकड़ी गई है पेंशन स्कीम में, लोगों को पेंशन मिल रही है, विधवा पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, इस प्रकार की जो पेंशन्स होती हैं, वो 1000 करोड़ का घपला सिर्फ हरियाणा में पकड़ा गया है। सिर्फ तमिलनाडु में 13 लाख
ओल्ड एज कार्ड पकड़े गए हैं, करीब 1 करोड़ फेक जॉब कार्ड पकड़े गए, यानी मनरेगा के जो कार्ड होते हैं वो पकड़े गए हैं। कितनी सब्सिडी, कितना पैसा हर महीने, हर साल दर साल, लगातार सालों तक इन लोगों को दिया गया है जो फेक हैं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ये कितना बड़ा स्कैम है आप सोच नहीं सकते हैं। आप थोड़ा कैलकुलेशन करने की कोशिश करिए और कांग्रेस से ये सवाल बनेगा। तो दोस्तों, कांग्रेस इन सवालों से बच नहीं सकती। वो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश तो कर रही है सोनिया गांधी का विडो स्टेटस को यूज करते हुए, लेकिन इन सवालों से बचा नहीं जा सकता है। एडिट वीडियो करके आप डाल सकते हो, लेकिन इन सवालों से आप बच नहीं सकते हो। यदि आप ये सवाल खड़ा करना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के सामने, तो इस वीडियो को शेयर करिए, भारत के लोगों तक पहुंचाइए कि किस प्रकार से झूठ का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस प्रकार के झूठ में हर पार्टी शामिल है, हम किसी का पक्ष नहीं ले सकते इस चीज में, लेकिन इन सवालों से कांग्रेस बच नहीं सकती है जिसको वो टालने की कोशिश कर रही है। ये सवाल हमें पूछने बनते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करिए, साथ ही साथ हमें ज्वाइन करिए फेसबुक और ट्विटर, इंस्टाग्राम पर, साथ ही साथ टेलीग्राम पर भी ज्वाइन करिए, जिसका कि एड्रेस हमने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com पर सपोर्ट कर सकते हैं, जिसका कि एड्रेस आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, या फिर एंड स्क्रीन एनोटेशंस में मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे काम को काफी आगे ले जा सकता है द्रुत गति से। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है।